श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस CS310 PHP एंड MySQL सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट एक्शंस को डिफरेंट कंडीशन पर परफॉर्म करना होता है, दैट मींस डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। PHP कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कुछ टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट, जब हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इफ else स्टेटमेंट, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इफ पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो else पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इफ else ये एक नेस्टेड इफ else स्टेटमेंट भी होती है, इसमें हमारे पास मोर देन टू conditions होती हैं, अगर एक एग्जीक्यूशन फॉल्स हो जाता है तो वो दूसरे को ट्रू कर देता है। स्विच के स्टेटमेंट, इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड में से एग्जीक्यूशन को और कंडीशन को टेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं PHP द इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू, अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा इफ स्टेटमेंट्स को। सिंटैक्स है इसका इफ कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट हैव ए गुड डे इफ द करंट टाइम आवर is less than 20। PHP में हमने एक वेरिएबल लिया $t equals to date hours के अंदर। इफ हमारी $t की वैल्यू लेस देन है 20 से तो ये प्रिंट करेगा have a good day आउटपुट में। अब हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है have a good day बिकॉज हमारे यूजर ने जो इसकी वैल्यू पुट की थी वो 20 से लेस देन थी, मींस हमारे टाइम आवर की जो वैल्यू है वो 20 से लेस देन है, इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो कंडीशन ट्रू होने की वजह से हैव ए गुड डे प्रिंट हुआ है। अब हम बात करते हैं PHP द इफ एल स्टेटमेंट्स। इफ एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ ए कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कोड इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। सिंटेक्स है इफ हमारी कंडीशन अगर ट्रू है देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ इज ट्रू, एंड एल्स अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है जिसमें हमने वही सेम करंट टाइम रखा लेस देन 20 एंड हैव ए गुड डे प्रिंट कर रहे हैं, अगर हमारी वैल्यू ट्रू होगी तो हमारी आउटपुट में वैल्यू आएगी हैव ए गुड डे, अगर हमारी वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा हैव ए गुड नाइट। तो हमने एक $t नाम का वेरिएबल लिया जिसमें डेट फिक्स की h आवर्स के नाम से, अगर हमारी $t मींस की वेरिएबल की वैल्यू आवर्स के अंदर यूजर लेस देन 20 दे रहा है तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही हैव ए गुड डे, अदरवाइज else पार्ट में हमारी वैल्यू प्रिंट होगी हैव ए गुड नाइट। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट में वैल्यू आई हैव ए गुड डे, दैट मींस यूजर ने जो वैल्यू पुट की थी वो हमारी 20 से लेस देन थी, इसलिए हमारे आवर्स की वैल्यू लेस देन होने की वजह से हमारे पास आउटपुट आया हैव ए गुड डे, अदरवाइज हमारे पास आउटपुट प्रिंट होता हैव ए गुड नाइट। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की, जिसमें इफ else if और else स्टेटमेंट का यूज होता है। इसमें हमारे पास मोर देन टू conditions अगर वेरी करती हैं तो हमारे डिफरेंट कोड्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंटैक्स है इसका इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट फर्स्ट स्टेटमेंट, else if कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड दिस कंडीशन इज ट्रू, else कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल conditions आर फॉल्स, अगर हमारी सारी conditions फॉल्स हैं तो else पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर example आउटपुट हैव ए गुड मॉर्निंग इफ द करंट टाइम इज लेस than 10 and have a good day if the current time is less than 20, otherwise it will have output have a good night. For example $t equals to date hours, if t less than equals to 10 then echo have a good morning, else if $t less than 20 then echo have a good day and else have a good night. The output of the server is 06 and will give the following message have a good morning, because हमारा जो output था user through वो 10 से less than था तो हमारी value print हुई have a good morning. अब हम बात करते हैं PHP switch statement की। switch statement is used to perform different action based on the different condition, जो different condition पर based होता है हम उन actions को perform करते हैं switch statement के through। for example हमारे पास एक syntax है जिसमें switch n हमारा expressions है, इसमें हमने case label 1 लिया एंड कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n लेवल इक्वल टू द लेवल 1, ऐसे ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज की। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, अगर हमारी वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन से मैच करेगी तो हमारा आउटपुट केस लेवल के अंदर आएगा, अगर हमारी वैल्यू मैच नहीं करती है तो डिफॉल्ट वैल्यू में हमारा एग्जीक्यूशन जो है डिफरेंट लेवल से अगर डिफरेंट है तो उसमें परफॉर्म किया जाएगा। हाउ इट्स वर्क, फर्स्ट वी हैव ए सिंगल एन एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफन ए वेरिएबल दैट इज इवेलुएटेड वंस, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज देन
compared with the value for each case in the structure. If there is a match, the block of code associated with that case is executed. Use break to prevent the code from running into next case automatically. The default statement is used if no match is found. मतलब अगर हम कोई expression test करते हैं और हमारी value जो है वो match कर जाती case level से, तो वो case जो भी case से match करेगी उसके statement को execute करके break करने के बाद जो हमारी condition है उसे बाहर आ जाएगी. Otherwise अगर हमारा कोई भी match नहीं मिलता है तो statement में default जो option है उसकी statement को वो execute करेगा. For example हमारे पास एक $ fav color नाम का variable है जिसमें हमने favorite जो color लिया है वो red लिया है. Switch statement में हमने $ fav color variable को expression बनाया. अब हम match करेंगे इन cases के अंदर से कि जो हमने variable की value ली थी वो find होती है या नहीं. अगर हमारी value starting में case red है तो हमने match किया कि हमारी favorite color की value red है, तो हमारे पास output में produce होना चाहिए your favorite color is red. Otherwise वो break करता जाएगा और जब तक हमारी case statements में match नहीं होता है तब तक इसको run करते रहेंगे. अगर हमारी कोई भी case statement match नहीं होती है तो default value print कर देगा favorite color is neither red, blue nor green. इसमें हमारी favorite color जो है वो red है, तो हमारा आउटपुट जो इको में प्रिंट होगा वो होगा योर फेवरेट कलर इज रेड. आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें.